किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। आज अपने भाईचारे को कायम रखते रखते उसकी इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी कि लगातार बेटियां अगवा हो रही हैं, लगातार उनका जबरन निकाह हो रहा है, उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है। सरकार इसके लिए अपनी जिम्मेवारी समझते हुए तुरंत कानून लागू करे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लागू है, मध्य प्रदेश में लागू है, जो इंटर रिलीजियस मैरिजेस हैं उसके अंदर पेरेंट्स की कंसेंट चाहिए है। ये जब तक कानून लागू नहीं होता हमारी बच्चियां यहां पे सुरक्षित नहीं है। इसीलिए जो कल की घटनाक्रम हुई और उससे पहले जो हमारी बेटी अगवा की गई, उन सबको देखते हुए पिछले लगभग 5-7 दिन में 4 बच्चियां अगवा यहां से हो चुकी हैं। 4 बच्चियों का धर्म परिवर्तन हो चुका है, उनका जबरन निकाह हो चुका है, 45-50 साल के लोगों के साथ। मैं तो कहता हूं भाई, जिस धर्म के लोगों ने काम किया उनको भी इनका बायकॉट करना चाहिए। यार आप सुनिए, ये कौन सा धर्म आपको सिखाता है कि आप किसी के 18 साल की बच्ची 50 साल के आदमी के साथ उठा के भगा दें? मैं तो ये समझता हूं कि वो धर्म के लोग चुप क्यों हैं। हमारे धर्म में अगर किसी ने ऐसा किया होता तो हम आपको कहते हैं जूतों का हार डाल देते उसके गले के अंदर। क्या मजबूर, क्या बात थी कि हमारी किसी की बेटी हमारे साथ ऐसे जाती हो जाए और हम चुप रहे, चाहे वो किसी धर्म की बेटी क्यों ना हो? और ये जो लोग कर रहे हैं, चुप रहते हैं, क्यों चुप रहते हैं? क्यों नहीं आवाज को उठाते कि हमारे लोगों ने गलत काम किया, हम इनको सजा देंगे गलत काम? क्या भाईचारा ऐसे निपटता है? भाईचारा निभाने का ये तरीका है? इसलिए हमें बड़ा खेद हुआ है ये जानकर जिस तरह की जाति की जा रही है। मैं सभी यहां के जो मौलाना हैं, जो यहां के गुरु पीर हैं इनके, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं, रोकिए अपने लोगों को, समझाइए ये जाति बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हम भी दुनिया भर के अंदर अपनी बात को रखने वाले लोग हैं। जब कभी बात हुई हमने साथ दिया हर मानवता के इंसान का, हमने अपने भाईचारे के लिए जान तक देने की बात की है। आज हमारी बेटियां अगवा की जा रही है क्योंकि यहां पे आपकी मेजोरिटी है, ये बात ठीक नहीं है। कौन से इलाके में हुआ है सर? ये कौन से एरिया में हुआ है? एरिया बता दीजिए, कौन से एरिया में हुआ है? रैनाबाड़ी। और अभी तक प्रोसीजर क्या है इसमें? इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर के बारे में बताइएगा, पुलिस का प्रोसीजर क्या है? क्या करें, कोर्ट जातियां कर रही है, जबरन कर रही है कोर्ट, माँ बाप को मिलने नहीं दे रही। मैं तो कल अपने नौजवानों का धन्यवाद करता हूँ जो इतनी जबरदस्त लड़ाई लड़ी और पुलिस ने रात को 10-10 बजे तक कोर्ट में लड़की को छुपा के रखा। आकर इनकी बात जब ये सब लोग बेइज्जत हो गए तो मैं धन्यवाद करता हूँ, कम से कम पुलिस प्रशासन ने इस बात को महसूस किया कि यार हमारा फर्ज बनता है इनके बच्चों की, बच्चों की सुरक्षा करना, और रात को बेटी वापस की। लेकिन अभी भी वो बेटी का ज्ञान हो चुका है, कभी भी पुलिस उठा के ले जाएगी, कभी भी उठा के ले जाएगी, वो कहते कि हमारी बेटी है ये। मैं आपको ये याद करना चाहता हूँ, जब यहाँ के सीए का लागू हुआ था तो जो बच्चियां साउथ इंडिया में हमारे मुस्लिम भाइयों की बेटियां फंसी हुई थी, कश्मीर की बेटियां, मुस्लिम भाइयों की बेटियां, तब उनको घरों तक सुरक्षित पहुंचाने का काम टिकटें देके सिखों ने किया। और यार खुद आगे यहां छोड़कर गए, क्या इस चीज का सिला मिल रहा है? ये किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा।